इंटरनल और स्टैंडर्ड, इनके द्वारा बीटा गामा एक्सरे को हम डिटेक्ट करते हैं। बीटा गामा एक्सरेज ये माइक्रो आर सर्वे, माइक्रो रेडियस ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे एनवायरनमेंट में कितना रेडिएशन इस समय है, इसके द्वारा बैकग्राउंड रेडिएशन भी चेक किया जाता है। 2.5 माइक्रो रंजन ये देख लो, 2.5 के लगभग है, मतलब रेडिएशन हर एक माइक्रो सेकंड में अप डाउन होता रहता है। ये एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, ये जरा आप इनको बताएं थोड़ा सा। जी यही भी बता दें। हाँ यही बता दें। देखो रेडिएशन क्या है, एक एनर्जी, मैं अभी बोल रहा हूँ ये भी एक रेडिएशन है। इस प्रकार से हम लोग जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये इससे ले रहे हैं सिलेंडर से ऑक्सीजन। ट्रेनिंग वन शुड नॉट यूज इज एंड वन कैन नॉट यूज दिस थिंग, इसलिए इन लोगों को पूरी ट्रेनिंग होती है। इन्हें मालूम है कितनी देर अंदर रहना है, कितनी देर ये चलेगा, कितनी देर ये सर्वाइव कर सकते हैं टू रेस्क्यू द पीपल। अब इसके बाद देखो, ये तो हमने पहन लिया, अभी भी हमारा ये प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग टेप लगाते हैं, पूरा टेप कर दिया जाता है, यहाँ पे टेपिंग कर दिया जाएगा और यहाँ पे टेपिंग कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हाँ थोड़ा पीछे हो जाइए, लाल लिटमस पेपर समझते जी हो? जी 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 ठीक है, उसको यहाँ पे चिपका दिया जाता है, लिटमस चिपका देंगे और पैर में चिपका देते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ एक केमिकल ऐसे होते हैं जब इसके इस पेपर के संपर्क में आएंगे तो रिएक्शन करके इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो देख करके भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ये केमिकल की एक्टिविटी है क्या है, ठीक है। दीज आर द कलर्स, इसको बोलते हैं थ्री कलर डिटेक्टर पेपर। इसके द्वारा ब्लिस्टर और नर्व एजेंट, ये दो एजेंटों का पता लगाया जाता है। नर्व में भी दो टाइप का होता है, जी और बी, जो अभी अगर टाइम होगा तो हम क्लास में थोड़ा सा 10 मिनट चर्चा करेंगे।